थैंक यू सर। विद योर परमिशन, मैं अग्निवीरों के लिए पूर्व सैनिकों की छूटी हुई रिक्तियां भरना के लिए दरखास्त करता हूं। केंद्रीय और राज्य सेवाओं में ग्रुप सी और डी में पूर्व सैनिकों के लिए औसतन 10-14% आरक्षण है। ये मैं स्टेट्स और सेंटर की बात कर रहा हूं, जिसमें से 2-3% का लाभ पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं यानी वीर नारियों और उनके आश्रितों सहित लिया जाता है। यानी फिलअप जो वैकेंसीज हैं वो 2-3% रहती हैं और बाकी छूट जाती हैं। अब आगे आगे क्या होगा कि जैसे अग्निवीरों की संख्या बढ़ती जाएगी और पूर्व सैनिकों की घटती जाएगी। इसका कारण ये भी है कि वन रैंक वन पेंशन मिलने के बाद रिटायरमेंट इज एज गुड एज सर्विस। मैं जब रिटायर हुआ, मेरी तनख्वाह आज जो मुझे पेंशन मिलती है उससे कम थी। तो इसलिए एक तो ये बात है, दूसरी पहले एज का रिलैक्सेशन के साथ साथ क्वालिफिकेशंस का भी रिलैक्सेशन होता था एक्स सर्विसमैन को, जिसमें सिविल सर्विसेज भी आती थी। अब सिर्फ एज का रिलैक्सेशन है, क्वालिफिकेशन का रिलैक्सेशन नहीं है। तो खासकर फिजिकल एक्टिविटी में और क्वालिफाइंग मार्क्स में 40 साल की उम्र में एक्स सर्विसमैन एक 22 साल के जवान के साथ कंपीट करने में दिक्कत होती है। तो मोस्टली वैकेंसीज बच जाती हैं। मेरी प्रार्थना ये है आपके माध्यम से कि ये लेफ्ट आउट जो वैकेंसीज हैं, आई अगेन मीन लेफ्ट आउट, जो आश्रितों तक अवेल हो चुकी हैं उससे बच गई, उनको अग्निवीर को ऑफर किया जाए इन एडिशन टू दी रिजर्वेशंस फॉर अग्निवीर। ये अग्निवीर जो स्कीम है उसको बहुत आकर्षक बनाएगा। और अग्निवीर क्योंकि युद्ध अपना स्वरूप चेंज कर चुका है, आज के दिन दर्जी की दुकान पे भी टेररिस्ट अटैक हो जाता है, स्कूलों में भी हो जाता है, इसलिए अग्निवीर एक समय की मांग है। थैंक यू।